हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव ब्यूटी नेचुरली। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। और आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस स्पेशल हेयर स्टाइल करके दिखा रही हूँ। जस्ट आपको अपना पूफ बनाना है। यहाँ पर इस तरीके से आप हेयर्स को लेंगे और इसको ट्विस्ट कर लेंगे। इसको मैंने कॉम को रखा और हल्का सा दो बार मैंने ट्विस्ट किया, एक और दो। अब इसको ऊपर की तरफ लाकर पूफ बन गया। अब हम लेंगे टिक टैक पिन। टिक टैक पिन को एक साइड से लगाएंगे लाइक दिस और हम दूसरी साइड से लगाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक जब रखते हैं तो ये लॉक हो जाती है। अब हमारा पूफ बन गया। जस्ट अब हमें इसी बाल को लेना है जितना हमारा इस टिक टैक पिन के अंदर आए थे, इन्हीं बालों को लेना है। और ये मैं रबर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये वाली रबर हमेशा लगाती हूँ अपनी पौनी पे भी। सो इसको मैं 3-4 बार रोल कर लूँगी ताकि मेरे बाल यहाँ पर टाइटली हो जाए। और यहाँ पे हम सेकंड हेयर स्टाइल का सेकंड पार्ट बनाएंगे जो कि होगा एक एलईडी बल्ब की शेप में। सो ये बिल्कुल क्रिसमस स्पेशल है, बहुत ही प्यार लगेगा। अब आपको लेनी है ये यू पिन। मैंने यू पिन ली है और ये जो रबर बैंड था ना, रबर बैंड के अंदर से निकालूंगी। इससे थोड़ा सा रबर बैंड को अंदर छेद करके निकलेगा, लेकिन हमारा जो हेयर स्टाइल है वो फुल डे के लिए, पूरे डे के लिए ऐसे टिका रहेगा। उसके अंदर से निकाल के फिर अंदर की तरफ डाल दिया तो ये हमारा हाई पोनी टाइप बन गया। अब हम लेंगे रबर बैंड। सिंपल रबर बैंड है जो ब्लैक कलर का होता है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो ये हमारा बन गया। अब मैंने इन जो बाल थे इनको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक बार एक साइड पे रोल करूंगी इस तरीके से। इसमें अगर अनटाइडी इस वक्त होता है तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम यू पिन से ही इसको सही करना सीखेंगे। और मैंने जस्ट अंदर की तरफ डाल दिया यहाँ से, और जो मुझे लगा कि ये खुल ना जाए तो मैंने एक बार इसमें यू पिन लगा दी। यू पिन लगाने का तरीका ऊपर से डाल के फिर नीचे कर देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड से भी ये वाले बाल लिए, इसको दूसरी साइड की तरफ रोल कर रही हूँ, ऐसे अंदर की तरफ डाल दूंगी, ये देखिएगा। और अब फिर से हम यू पिन लेंगे और जितना भी ये बाहर ऊपर की तरफ उठ रहा है इसको हम जैसे शेप देना चाहते हैं हम वैसे शेप दे देंगे, क्योंकि ये मैसी अच्छा लगता है। फिर भी हम इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं पीछे की तरफ ले गई, ऊपर से यू पिन डाली है और नीचे की तरफ लगा दूंगी। ऊपर से लेकर नीचे की तरफ से अंदर डाल दूंगी तो यही सही तरीका है यू पिन को लगाने का। फिर मैंने लिया, देखिएगा ऊपर से डाली और घुमाकर नीचे की तरफ कर दी। जरा ट्राई कीजिएगा, आपसे भी हो जाएगा। और ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल बिल्कुल रेडी है। आप ऐसे ही खुले छोड़ सकते हैं अपने बालों को और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो कि मैंने अभी रिसेंटली पार्टी में भी किया था। ये इट्स रेडी। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको पौनी बना ले। पौनी लो भी चलेगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी हाई कर ले तो ज़्यादा बेटर है। कॉम की ज़रूरत नहीं है, अपने बालों को ऐसे ही थोड़ा सेक्शन में ऊपर लेकर जाइएगा। और यहाँ पर मैं पौनी बना रही हूँ, सिंपल पौनी है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारी पोनी बन गई आधे बालों की, और आधे बालों का ऊपर डिज़ाइन बन गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इन है। सो हमारा सेकंड हेयर स्टाइल भी रेडी है। मैरी क्रिसमस टू ऑल। जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। थैंक यू।